अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब कि फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर एनिमल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जो लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब कि लैंड पर एनिमल्स जो रहते हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। Terrestrial conditions are harsh for living organisms because the direct contact of heat to body causes loss of water. Terrestrial जो conditions होती हैं living organisms के लिए, वो बहुत उनके लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि उनको दो problems बहुत ज़्यादा face आती है। एक तो उनके पास जो availability of water होती है वो बिल्कुल कम होती है, और उनको दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो वाटर है उनमें जो प्रेजेंट है वो इवापोरेट ना हो जाए उनकी बॉडी से, मतलब कि वाटर लॉस ना हो जाए। ये दो रीज़न है उनको पेश आते हैं, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अगर वाटर लॉस हो गया बॉडी से तो फिर बॉडी की डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर उसको हाइड्रेट करने के लिए वाटर चाहिए होता है। मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये आपको याद रखना है, दो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। अब कौन से जो एनिमल्स हैं उनमें आती है, ओनली आर्थ्रोपोड्स, सम मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कैन सर्वाइव इन दिस हैबिटेट बिकॉज। अब कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं और कुछ मोलस्कस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं जो कि इसी हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, इस हैबिटेट में रहते हैं, क्योंकि देयर बॉडीज आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन आर थिक स्किन। अब क्या होता है कि वाटर के लॉस को रोकना होता है, और वाटर का लॉस कैसे रुकेगा, तो इनकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक बाहर का स्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और इनकी थिक स्किन, मोटी स्किन होती है विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, जिससे वाटर कम से कम लॉस होता है। दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड रेक्टम। जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो बकाया मादा जो बच जाता है तो उसमें भी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर हो गया, साल्ट हो गए, तो फिर उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और रेक्टम कैसे, ये होता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स और जो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, तो उनमें क्या होता है, एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोलेका। फिर कोलेका को हम कहते हैं यूरिनो जेनिटल रेक्टल ओपनिंग। अब क्या होता है कि इस एक ओपनिंग से सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे यूरिन भी इससे रिलीज होता है, अगर रिप्रोडक्शन हो तो वो भी इससे पैसेज होता है, रेक्टल मतलब गंदा जैसे कुछ जो होता है वो भी इससे ही बाहर निकलता है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रेक्टम से होती है, लेकिन वो होती है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स से। सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट्स कैटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स। अब क्या होता है कि कुछ क्या करते हैं कि फैट को कैटाबॉलाइज करके, ब्रेक करके, फिर क्या करते हैं उसमें से वाटर हासिल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स। जैसे उसके एग्जांपल है कैमल हो गया, कैंगरूज हो गए, आपको पता है कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, तो उसको हफ्तों बाई हफ्तों चलाया जाए डेजर्ट्स में तो बिना पानी के वो चलता रहता है। तो यही रीज़न है कि इसमें इसको पानी की जो कंजर्वेशन होती है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा होती है। कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर आर यूजिंग लिक्विड फूड। अब अगर इन एनिमल्स को वाटर कंजर्व करना है तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक करते हैं, और जो लिक्विड फूड होता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको आप अपनी मिसाल ले लें, मैमल्स हैं हम, तो जब भी पानी की थर्स लगती है तो हम पानी पीना शुरू कर देते हैं ताकि वाटर कंजर्व और मेंटेनेंस रहे हमारे बॉडी के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। और लेक्चर हमारे कैसे हैं आप अपनी कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करेंगे। मिलते हैं ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।